नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल सारणी की तेंदुखेड़ा नदी पर जमकर हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन। पूरे जिले में हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन, खनिज विभाग सोया है। कुंभकर्णी नींद में कब जागेगा खनिज विभाग, कब होगी रेत माफियाओं पर कार्रवाई, पूरा जिला कर रहा है इंतजार। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की कुल नगरी सारणी से। पत्रकारों की टीम ने सारणी से लगे तेंदुखेड़ा रेत घाट पर खुलेआम अवैध दो ट्रैक्टर रेत से भरे निकलते देखा। इस नदी की नीलामी नहीं हुई है, अर्थात सरकारी तौर पर यह घाट बंद है, लेकिन मौके पर पूरा गोरख धंधा खुला है। रेत सिंडिकेट ने नदी किनारे एक झोपड़ी बना रखी है, जो उनका दफ्तर है। वह यहाँ आने वाली हर गाड़ी से 1500 रुपए रेत की लोडिंग का चार्ज ले रहे हैं। बंद घाट में भी रेत लोड करने के लिए नदी में मशीनें उतारी जाती हैं। इस घाट में 2400 घंटे लोडिंग हो रही है। पत्रकारों की टीम ने पूछताछ की तो मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सबको पता है, यहाँ से रेत निकालकर बेच रहे हैं, सबको हिस्सा देते हैं, कोई कुछ बोलेगा भी कैसे। अफसर एक तो जाते नहीं, दूसरा है भी गिनती के ही। जिला खनिज विभाग के पास इन रेत घाटों पर कार्रवाई के लिए केवल कुछ ही खनिज निरीक्षक है, इसलिए ये रेत घाटों की ओर कभी कभार ही जाते हैं। इधर दूसरी ओर रेत सप्लायरों का कहना है कि खनिज निरीक्षकों, खनिज अधिकारी और सभी की मिलीभगत से ही रेत घाट में खुलेआम अवैध लोडिंग का खेल हो रहा है। गौरतलब है कि बैतूल जिले के आधे से ज्यादा बंद रेत खदानों पर अंधाधुंध तरीके से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, जिसको लेकर जिले के चारों ओर से शिकायत भी लगातार सामने आ रही है। उसके बावजूद जिला खनिज विभाग कार्रवाई के नाम पर अवैध उत्खनन न मिलने का दम भर रहा है और हर बार खनिज अधिकारी द्वारा एक ही रटा रटाया जवाब दिया जाता है, हम देखते हैं, हम दिखाते हैं। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। यह ब्रजेश पटेल की गाड़ी बताई जा रही है, MP 48AA 5694। अभी क्या नाम है आपका? समलू। कमलू भाई किसकी गाड़ी है? समलू। समलू समलू भाई किसकी गाड़ी है? ब्रजेश पटेल। लो बात कर। कहाँ से आ रहे हैं? तेंदुखेड़ा से। बात तो कर लो। कहाँ से? तेंदुखेड़ा। तेंदुखेड़ा गांव से। रॉयल्टी बताइए। जी आई नो सर। देखा और ये ट्रैक्टर ट्राली भरी हुई है और अभी भर कर आ रही है, ये देख सकते हैं। हेलो, ओपन वाला खादा या खैरवानी की? तो इसकी तेंदुखेड़ा वाली खदान से कितने ट्रैक्टर हो रहे हैं वहाँ पर? आपका नाम क्या है? सोनी। सोनी जी किसका ट्रैक्टर है ये? संतोष पाल। संतोष पाल का ट्रैक्टर है। इसके काटे हैं वहाँ पे? बोलो। पालने काटे हैं। कितने रुपए की? भैया ने बताया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आपका ट्रैक्टर में रेता भरी हुई है। रेता भी भर के ला रहे हैं। ठीक, ये आपकी नंबर प्लेट पीछे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, बिना नंबर की गाड़ी आपकी है, नंबर है ना? कहाँ है? ये हेलो MP 48AA 5119 संतोष पाल का ट्रैक्टर बताया जा रहा है, है ना? क्या नाम है आपका? इत्तुलाल दुरु। ये आप तेंदु खड़े रहते हैं ना जी? अभी ट्रैक्टर उप सरपंच है इस ग्राम के। इस गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली अभी गई है दो, एक ब्रजेश पटेल और एक संतोष पाल। ये दो गाड़ी गई, दो गाड़ी गई है। तो ये इनको आपने मना किया? मना करा दोनों। फिर कल मेरी गाड़ी पकड़ लिया था खरवानी। अच्छा, पंचायत में डाल रहा। किसने पकड़ा था आपकी गाड़ी? वो कंपनी वाले, रॉयल्टी वाले। रॉयल्टी वाले ने, तो रॉयल्टी की पर्ची आपने नहीं कटाए थे और इनकी रॉयल्टी की पर्ची कट रही है। तो हम पंचायत में, हमारी जल जा और जंगल हमारी है, जल जंगल जमीन सब आपका है और आपको ही अधिकार नहीं दे जा रहा है और अवैध रूप से ये लोग यहाँ से रेता निकाल के ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहा है और बेच रहा है, बाहर ले जाके ये लोग बेच रहे हैं ना। ठीक है, अभी अभी और अंदर ट्रैक्टर खड़े हैं? नहीं, दो ही ट्रैक्टर थे।